गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज दिग्विजय सिंह. वेलकम टू द फिजिक्स क्लास. वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर, लाइट रिफ्रैक्शन, एंड वी आर डीलिंग विद द टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो देखिए, आपको मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में जो लास्ट पॉइंट बोला था वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पर मैंने आपको समझाया था इससे पहले भी कि हम लोग हमेशा रेयरर और डेंसर दो मीडियम में डील करते हैं ना, एक मीडियम वन एक मीडियम टू. इनमें से कोई भी ये हो सकता है, रेयरर हो या हो सकता है डेंसर हो. सिमिलरली ये मीडियम हो सकता है रेयरर हो या डेंसर हो, कोई भी हो. अब इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं. पहला केस है कि लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, पर इसका दूसरा केस है कि लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से समझेंगे. तो मैं आपको पहले टर्म समझाता हूँ. पहले आप ये ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इसको कैसे पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू. तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन. क्लियर है? अगर मैं ऐसे लिखूं थ्री फोर, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विद रिस्पेक्ट टू फोर. अगर मैं आपको लिख दूं जी डब्ल्यू, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. क्लिक कर रहा है आपको? पहला तो आप टर्म्स को समझिए कि टर्म्स क्या है. ठीक है, अब ओके जी हाँ, तो अब ये टर्म्स अब आप समझ गए. तो आप ये पॉइंट समझिए, वन विद रिस्पेक्ट टू टू. देखिए लाइट जा कहा रही है, टू में आ कहा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टू, लाइट जा कहा रही है वन में, आ कहा से रही है टू से. चीज आ कहा से रही है, टू से, मतलब ये केस सेकंड वाला है, जा कहा रही है वन में. तो देखिए, आप जहां से आ रहे हैं उस चीज के बारे में तो आपको पता है, आप जहां जा रहे हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है. क्लिक कर रहा है आपको? मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं. मैं अपने घर पे हूं, मैं मेरे होम पे हूं, तो मुझे मेरे घर की सिचुएशन पता है. सपोज मेरे घर में एक टीवी है. अब मैं मेरे घर से आपके घर जा रहा हूं, योर हाउस, मैं मेरे घर से आपके घर आ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कंपेयर, अरे मेरे घर में तो इतना बड़ा टीवी है, तुम्हारे घर में इतना बड़ा टीवी है. क्लिक कर रहा है आपको? तो लाइट मीडियम टू से जा रही है, सॉरी मीडियम टू से, हाँ मीडियम टू से जा रही है, और कहां जा रही है, मीडियम वन में. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, मतलब लाइट मीडियम वन में एंटर कर रही है कहां से, मीडियम टू से. सिमिलरली इसका उल्टा केस होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब लाइट आ कहां से रही है, मीडियम वन से, उसको मीडियम वन के बारे में पता है, और जा कहां रही है, मीडियम टू में. तो अब हम बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू और मीडियम वन, और मीडियम वन एंड मीडियम टू. तो ये देखिए, इसको बताने का समझाने का तरीका ऑफकोर्स मैं क्लासेस में आपको अच्छे से समझाऊंगा. तो अब इसका न्यूमेरिक फॉर्मूलेज देखते हैं क्या है. इनका बहुत ही सिंपल इन्होंने वैल्यूज दे दिए है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज सिंपल है, आपको बस याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. मतलब जो भी टर्म पीछे लिखा हुआ है वो ऊपर जाएगा, जो भी टर्म नीचे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वो नीचे आएगा. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विद रिस्पेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. सिंपल है, ठीक है. तो ये आपको इस बात को समझना और ध्यान देना है. आप फिर से देखिए, इसको समझिए, टेक्स्ट बुक में भी पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी चीज है, थोड़ा सा समझ में आने में डिफिकल्टी होती है. सो अगर इसी चीज को मैं आपसे पूछूं उसी लेवल पे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. आप इस एंगल से समझ के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर मैं पूछूं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल. तो जो भी सेकंड लिखा है वो ऊपर जाएगा, जो भी फर्स्ट लिखा है वो नीचे आएगा. ठीक है, तो इससे अभी आपको क्या समझ में आया, इससे एक और चीज समझ में आई. देखिए, ये सब बुक में इतना क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो इसलिए ये सब वीडियो को ज्यादा अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए.
इसको मैं आपको समझाता हूँ रिफ्लेक्शन के टर्म से, फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते। ये देखिए ये लाइट, ये मिरर है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे लाइट गिरी, ये नॉर्मल बना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, बराबर है, सिंपल है, क्लियर है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मेरा ये इंसिडेंट रे होती तो ये ही रिफ्लेक्टेड रे होती कि नहीं होती? बिल्कुल ही होती, यही होती। इसी को हम फिजिक्स या साइंस की भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर ये रे यहां से यहां आई है, टकराने के बाद यहां जाएगी, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका मतलब ये भी है इनडायरेक्टली कि अगर ये इंसिडेंट रे होगी तो ये ही रिफ्लेक्टेड रे होगी। सिमिलरली रिफ्रैक्शन में इसका क्या फंडा होगा, सपोज ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, तो अगर ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये लाइट इंसिडेंट रे लाइट ये हुई, ठीक है, इंसिडेंट लाइट ये हुई, रिफ्रैक्टेड लाइट ये हुई, बेंड हो गई थोड़ी, आइडियली जाती है ऐसे, पर ये थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर से डेंसर जा रही है तो कहां बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो बेंड हो गई। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे समझे, कि अगर रेयर टू डेंसर में थी तो टुवर्ड्स बेंड हो गई, पर अगर डेंसर से लाइट रेयर में जा रही होती तो ये लाइट ऐसी जा रही होती, क्लिक कर रहा है आपको, अगर ये लाइट स्ट्रीयर होती तो ऐसी जा रही होती। तो इस केस में अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसे निकल जाती, क्लिक कर रहा है आपको, तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्रेक्टेड रे है, और अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये ही रिफ्रेक्टेड रे है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इसी को आप मैथमेटिकली समझाते हैं, वो ये है ईटा 12 इज इक्वल टू 1/2 ईटा 21, या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ईटा 21 इज इक्वल टू 1/2 ईटा 12, ठीक है। तो ये बुक में दिया हुआ है, पर आपको इतना क्लैरिटी से समझाया नहीं, तो ध्यान दीजिए कि अगर ये इंसिडेंट रे होगी तो ये मेरी रिफ्रेक्टेड रे होगी, पर अगर ये ही इंसिडेंट रे होगी तो ये मेरी रिफ्रेक्टेड रे होगी। तो हम वीडियो को यहाँ पे अभी रोकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, तो ध्यान दीजिए उसका न्यूमेरिक वैल्यू और उसका हम कर रहे कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।